दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड से आ चुकी नेविक की वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो आ चुका है यहां पे। 260 वैकेंसीज जो है वो नेविक की आ चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और मैं आपको बता दूं, इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं पास की हो तो चलिए अब जल्दी से डिटेल में देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया यहां जो वैकेंसीज आई है वो नेविक मेल के लिए आई है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 260। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि इस वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। मैं आपको बता दूं, यदि आप इस नेविक मेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 18-22 ईयर्स के बीच बीच होनी चाहिए। बट देखिए दोस्तों, कुछ कैटेगरीज को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर्स की, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 ईयर्स की जो है वो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपने 12वीं तक की पढ़ाई की हो, बट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपने 10+2 पास की हो विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब आपके पास 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और आपके कम से कम 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट में होना जरूरी है अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, और यहाँ पे कुछ मार्क्स में रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे SC ST कैटेगरी को या फिर कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल या नेशनल लेवल पे, तो उन्हें भी कुछ मार्क्स में जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% रिलैक्सेशन उन्हें दी गई है। अब हम बात करेंगे पे स्केल की, कितना आवेदन जो है इस वैकेंसी पे मिलेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पे स्केल ऑफर किया जा रहा है ₹21,700 प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस अदर अलाउंसेस, मतलब 21,700 के साथ साथ आपको DA मिलेगा, उसके साथ साथ अन्य भत्ते भी जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो कैसे सिलेक्शन करने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और यदि आप इस रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब रिटर्न एग्जाम के बाद आपको PFT के लिए जाना होगा। और जो कैंडिडेट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लेरिफाई कर लेते हैं उन्हें फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी के लिए जाना होगा। दोस्तों, अभी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट्स और भी हाउ टू अप्लाई के बारे में बताऊंगी, बट अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी आने वाली कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो है वो मिस ना हो। देखिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आवेदन जमा करने की है या एडमिट कार्ड की, मैं आपको सब डिटेल में बताने जा रही हूँ। देखिए, जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2020 तक है, तो मतलब आपको 26 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 तक अपने आवेदन जमा करने हैं। मैंने आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स भी कलेक्ट कर रखी है। अब देखिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड जो होगा 15 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2000 के बीच बीच आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की, कि आपको अपने आवेदन कैसे जमा करने हैं। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपने आवेदन जमा करने। तो दोस्तों, ये तो थी इंडियन कोस्ट गार्ड से आ रही नाविक की वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आपको इसी भर्ती से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से dailynaukri.com के लिंक पे क्लिक करें, जहां पर जाकर आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हो और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लेकर आती हूँ।